से 23 वर्ष को कर्तृ की स्थापना हुई। उस वक्त श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी थे, उनके हाथों इसका इंटरनेशनल सेंटर में उद्घाटन हुआ। कर्तृ की जो मेन चीज़ थी जिसके लिए ये संस्था बनाई गई, मीना अग्रवाल जी जो आज नहीं हैं वो मेरे साथ थी, और पहले हम दोनों ही विचार किया कि एक ऐसा संस्था बनाई जाए जहाँ जो पुराने अपने विचार हैं, अपने त्यौहार हैं, उनको अच्छी प्रकार मनाया जाए। जैसे वास्तुशास्त्र है, उस समय वास्तुशास्त्र को भी सब लोग नहीं मानते थे और कहते थे ये भी एक अंधविश्वास है, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने वास्तुशास्त्र का भी बहुत प्रचार किया, होम्योपैथिक दवाई का बहुत प्रचार किया, और सबसे ज़्यादा ये था कि लोग जो है सिर्फ पुरुषों को ही मानते थे, स्त्रियों को कोई मान्यता नहीं दी जाती थी। तो हमने नाटक किए और सारा कुछ स्त्रियों से ही स्टार्ट किया। ये जो बिल्डिंग हमने बनाई है ये भी स्त्रियों के द्वारा ही बनाई गई और समय स्वावलंबी बनाया गया। फिर हमने अवार्ड शुरू किए, उससे भी हमारा सारा संस्था तो बहुत लोगों ने पसंद किया और उसमें लोग जुड़ते चले गए। उसमें हम अवार्ड देते हैं एक स्वावलंबी, कि जो स्त्रियां अपने आप स्वावलंबी बनी, एक हम देते हैं जो राइटिंग के लिए, दूसरा तीसरा हम देते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं और जिन्होंने मेडिकल क्षेत्र में बहुत काम किया है, सिर्फ रुपए का नहीं सेवा भाव से। मेन जो था, मैंने यहाँ ये स्कूल पहले मेरे योगा टीचर आते थे उनके यहाँ जगह थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ बच्चे मेरे यहाँ आते हैं तो अगर आप चाहें तो राजी यहाँ पर स्कूल शुरू कर सकते हैं। मैं उसी वक्त यहाँ आई और वहाँ पर उन्होंने एक कमरा और एक वरंडा हमें दिया और वहाँ से हमने 50 बच्चे इकट्ठे हुए, वहाँ से हमने शुरू किया। उसके बाद हम और चीज़ें दिल्ली में करते रहे। हमारी संस्था हर महीने एक ऐसा प्रोग्राम देती है जिसमें सब मेंबर्स का एंटरटेनमेंट भी होता है और उससे कुछ शिक्षा भी प्राप्त होती है। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा गांव की दशा बहुत ही बुरी थी, यहाँ शौचालय नहीं थे, और जैसे कि अपने सुना कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है, जब उन्होंने स्वच्छता का अभियान शुरू किया तब हम एकदम हम उस चीज़ में जुड़ गए और आज यहाँ जो 62 फैमिली हैं उसके अंदर करीब करीब सब जगह शौचालय बन गए हैं, 2-4 नहीं हैं जो इस वर्ष हम पूरा कर देंगे। यहाँ लड़कियाँ 11 आसपास के जितने भी गांव हैं उसमें कहीं ना मेडिकल है, ना शिक्षा का है और ना कोई कौशल केंद्र या सीखने के लिए है। तो इसलिए फिर अब हमने 3 साल पहले मैंने वो जगह शुरू करी। मेरे पास अब 260 मेंबर्स हैं। अब हमारी अपनी संस्था के अंदर जो भी हम सोचते हैं आपस में मिलजुल के सब निस्वार्थ भाव से अपने पैसे से खर्चा करके यहाँ आते हैं, काम करती हैं, और उन लोगों को भी बहुत बहुत अच्छा लगता है। जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ आने के बाद सबको कितना अच्छा लगता है।